बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। समाज सेवी गीता ठाकुर के श्राद्ध क्रम में श्रद्धांजलि सभा एवं 84 भोज का आयोजन। तेघरा बीहट नगर परिषद वार्ड संख्या 25 बीहट गुरदासपुर निवासी स्मृति शेष गीता ठाकुर के श्राद्ध संस्कार व 84 महाभोज में शामिल होने आए सगे संबंधियों, क्षेत्र गणमान व्यक्तियों, समाज सेवियों ने दिवंगत स्वर्गीय गीता ठाकुर के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन राष्ट्रीय नाई महासभा जिला कमेटी बेगूसराय एवं मलकी परगना बरौनी प्रखंड कमेटी सा बीहट शाखा द्वारा संयुक्त रूप से बीहट गुरदासपुर बरिद अध्यक्षता जिला कमेटी के पुणे किया, जबकि संचालन जिला सचिव प्रभु प्रताप ठाकुर ने की। ईश्वर से दिग्वंत आत्मा को शांति प्रदान करने एवं शोक संतृप्त परिवार सहने की शक्ति देने के लिए प्रार्थना किया। इस अवसर पर राज प्रतिनिधि मथुरा ठाकुर ने गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि स्वर्गीय गीता ठाकुर समाज सेवी व मिलनसार व्यक्ति के धनी, उनके निधन से समाज और राष्ट्रीय नाई महासभा के संगठन में बड़ी रिक्तता आई है जिसकी भरपाई असंभव है। अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र कुमार पप्पू ने कहा कि स्वर्गीय ठाकुर इस पड़ाव में पहुंचने के बाद भी सामाजिक, धार्मिक एवं सांगठनिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभाते थे। उनके संस्कार और परवरिश की वजह से ही आज उनके परिवार के कई सदस्य प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हैं। वह कुछ दिनों से बीमारी के चपेट में आने के चलते बीमारी से लड़ते हुए अपने प्रिय परिजनों व शिवचंतकों को छोड़कर 5 जनवरी को दुनिया को अलविदा कह गए, अपने पीछे भरे पूरे परिवार छोड़ गए। मौके पर राज प्रतिनिधि उमा कांत ठाकुर, जिला संगठन सचिव प्रोफेसर सुभाष चंद्र नागमणि, कोषाध्यक्ष टुनटुन ठाकुर, निदेशक मंडल के रामदास ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष बैजनाथ ठाकुर, राम बालक ठाकुर, बरौनी प्रकरण अध्यक्ष अशोक कुमार ठाकुर, सचिव मोहन ठाकुर, शिक्षक नंद किशोर कुमार ठाकुर सहित भारी संख्या में जिला कमेटी एवं बेगूसराय के अन्य प्रखंड कमेटी के अलावे स्थानीय लोग शामिल हुए। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। बैठिए। अम्बेडकर कहता है अम्बेडकर का ये कहते हैं अम्बेडकर का ये क्या कोई सरकार है तो आपको पूछना होगा कि मेरा समाज कहाँ है, ज्यादा संख्या वाला कहाँ है, बुद्धिजीवी लोग कहाँ है, आपको कहाँ जाना चाहिए। हमारे कहने पर आप बहुत डरते रहे समझिए, और वही सरकार के बारे में पूछ रहे थे आप कौन करके आप चले आएंगे, आप कार्यालय कैंटीन के ऊपर में है वहाँ पर सभागार में का होगा, ऐसा माहौल बनाइए कि कम से कम बेगूसराय जिला में प्रेस में मीडिया में सब लोग जाने कि हाँ ये लोग ज्यादा खोल चुके हैं और हमारी संख्या बहुत ज्यादा संख्या में है, अपनी मांग के लिए अपनी डिमांड के लिए हम गए एकताबद्ध हो जाए। और उनसे जो है हमारे जो संगठन है कहने का है, लेकिन हमारे भाई के लिए बच्चों के लिए हमारे लिए खूब ध्यान में है कठिन का समय है।